नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन, हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत। भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हराया। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। मैच ड्रॉ होने के बाद पेनल्टी शूटआउट में फैसला। राजकुमार और ललित ने एक एक गोल किया। सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत ने एक एक गोल किया है। तो भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हराया। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। राजकुमार और ललित ने एक एक गोल किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन, बात अगर हॉकी को लेकर करें। बहुत खुशी है भाई, बहुत बहुत खुशी है। ललित भैया ने भी एक गोल मारा जी जी, जो स्पॉट फाइव फाइव शॉट लेता है उसमें। मैच का आकलन आप किस हिसाब से कर रहे हैं? बहुत, हम लोग शुरू से मैच देख रहे थे। एक प्लेयर को पूरे मैच से निकाल दिया गया, हम लोग होपलेस हो गए कि अब मैच हार जाएंगे, लेकिन जीत गए। लेकिन फाइनली मैच जीत गए, सेकंड क्वार्टर फाइनल जीत गए, आप सेमीफाइनल और फाइनल। हाँ, सेमीफाइनल अभी आने वाला है। बहुत खुशी हुई आज का मैच जीतने के बाद। हाँ, अब हम लोगों को ये आशा हो गई कि पदक लगेगा। हाँ, इस बार जो है मेडल का रंग बदलेगा। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद है हमारी तरफ से। एसके बंसल, पूर्व भारतीय कोच, हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह का प्रदर्शन भारत हॉकी में कर रहा है, पेरिस ओलंपिक में कर रहा है, सेमीफाइनल के लिए अब जंग होगी? देखिए, मुझे तो अब स्वर्ण पदक की जो है ना सुगंध आने लगी है, और जिस तरह से भारत ने पेनल्टी कॉर्नर के मौके जो है उन्होंने ज्यादा जुटाए, उन्होंने एसके बंसल हमारे साथ बने हैं। एसके बंसल के पास मैं जाना चाहूंगी। मनोज जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एसके बंसल जी, क्योंकि मनोज जी ने शुरुआत में ही कहा कि देखिए, आप मुझे तो उम्मीद लग रही है कि स्वर्ण पदक जो है वो भारत जीतने वाला है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पहले तो एक छोटा सा सुधार करना चाहता हूँ कि मेरा नाम एके बंसल है, अजय कुमार बंसल। ओके ओके ओके, तो कोई कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये जस्ट एक सुधार था। जो मनोज जी ने बात करी वो मुझे, मनोज जी को या आपको नहीं, पूरे भारत को आने लगी जी। वो जो खुशबू है, सोने के रंग की खुशबू जो है, वो पूरे भारत को आने लगी। और अब सबको ये उम्मीद हो चली है कि हम इस बार, पिछली बार जैसे हम लोगों ने कांस्य पदक जीता था, तो इस बार हम लोग ऊपर जाएंगे। और जो खेल की शुरुआत हुई थी ओलंपिक में, हॉकी की शुरुआत हुई थी, उसमें मैच दर मैच हमारी टीम ने अच्छा किया है, और जिसका नतीजा आज भी देखने को मिला है। जितना रोमांचक आज का मैच था, शायद इतने रोमांचक मैच बहुत कम होते हैं। जबकि हम लोग, एक प्लेयर कम था हमारा जिसको एक रेड कार्ड हो गया था, अमित रोहिदास को, तो उस समय थोड़ी सी मायूसी जरूर छाई थी कि ना जाने क्या हो, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से बाकी के 10 लड़कों ने टीम को संभाला, और टीम को संभालने के बाद ना केवल बराबर खेले, उसके बाद हम लोग शूट आउट में भी आगे निकले, और आगे निकल करके सेमीफाइनल में पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टीम के लिए। लेकिन इसके साथ ही क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जिस तरह से भारत ने ब्रिटेन को शूटआउट में 4-2 से हराया, इस जीत को आप कैसे देखते हैं, और मैं चाहूंगी जरा इसको आप हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करें। जीत जी, एक बार जी जी, मैं जिस तरह से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को शूटआउट में 4-2 से हराया, मैं चाहूंगी जरा इस जीत के बारे में आप बताएं। मैंने जैसे पहले भी कहा और अभी भी, ये देखिए, पेनल्टी शूटआउट जो होता है ना, वो हमेशा आप उसमें श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन क्या कर दे, लेकिन आज भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ये जो पेनल्टी शूटआउट है इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये ललित और एंड कंपनी ने जो संभाला,
और जिस तरह से उन लोगों ने गोल किए, तो वो उस समय अंदाजा लग गया था कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। और उसका उसका असर जो आज की ये पेनल्टी शूट आउट की जो जीत है, इसका असर अब आने वाले मैच में और भी अच्छा रहेगा। वो एक दूसरी बात है कि थोड़ा सा हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि अगले मैच में अमित रोहिदास का क्या होगा, ये भी निर्णय होना है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जिस मैच में रेड कार्ड होता है तो उससे अगला मैच भी वो नहीं खेल पाता, तो इसका अभी निर्णय पता लगेगा। बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से टीम ने अपने आप को संभाला 10 प्लेयर होते हुए भी, और जिस तरह से डोमिनेट किया खेल को, तो वो काबिले तारीफ था, और वो उसके लिए जीत ही थी और कुछ भी नहीं था बस। लेकिन अब सेमीफाइनल के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड और जर्मनी के बीच पहले मुकाबला होगा और उसके बाद जो भी सेमीफाइनल में जगह बनाएगा भारत के साथ उसका मुकाबला होगा। जी, तो देखिए जब ये एक स्टेज आ जाती है सेमीफाइनल जिसमें चार टीमें, यहाँ पर देखिए चारों टीमें बराबर है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो कम है, 19 है, वो 20 है या क्या है। एकजुट होकर के खेलने की जरूरत है टीम को, अदरवाइज अब पिछले बहुत समय से हम लोग जर्मनी नीदरलैंड इनको भी हराते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनसे कोई कम है। तो मैं इसको बड़े पॉजिटिव वे में लेना चाहता हूं, और टीम को भी मेरा यही संदेश है कि वो एक पॉजिटिव माइंड होकर के एकजुट होकर के खेलेंगे, तो चाहे जर्मनी हो या नीदरलैंड, कोई भी हो, हमें कोई रोक नहीं सकता है फाइनल में जाने से। और बिल्कुल हमने देखा जिस तरह से इस पूरे मैच को लेकर अगर हम बात करें तो भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए, और वो उनकी उनकी जो उनकी तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा कि मैंने खुद से कहा ये मेरा आखिरी मैच हो सकता है, या फिर मैंने बचा लिया गोल तो मुझे 2 और मैच खेलने को मिल सकते हैं। जब खिलाड़ी इस तरह से मैदान में होते हैं तो मन में क्या चलता है, एक तरफ जीत है, एक तरफ हार का भी डर रहता है कि भाई कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको आगे पहुँचा सकती हैं और कुछ यहीं से आपको वापस घर का रास्ता दिखा सकती हैं। ये एक मामूली सी बीच में जो एक लकीर होती है बस, हार और जीत, एक मामूली सी लकीर होती है, बहुत थिन लाइन। और जो जो चीज श्रीजेश ने कही, श्रीजेश एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वो ये कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब जानते हैं कि श्रीजेश का कोई मुकाबला नहीं है। वो अलग बात है कि उसने संन्यास ले लिया इसके बाद, पहले से डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो आज भी वैसा ही है जैसा सिर्फ 15 साल पहले था। मेरे अंडर भी बहुत खेला है श्रीजेश, जूनियर में भी मेरे पास खेला है वो, तो श्रीजेश आज भी वैसे ही खेल रहा है, बल्कि आज उससे और ज्यादा कहीं अच्छा खेल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा। मैंने बहुत कम गोलकीपर देखे हैं दुनिया में जो इस तरह से अपने आप को डे बाय डे, मैच दर मैच अच्छा से अच्छा करते चले जा रहे हैं। और उसका जो ये भावुक जो एक वक्तव्य आज आया है, ये वाकई कोई भी हो वो भी यही बात बोलेगा, कोई भी अगर व्यक्ति हो जो भावुक व्यक्ति है वो इसी तरह से एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को। और श्रीजेश के लिए कुछ भी बोलना जो है वो सूरज को दिया दिखाना है। चलिए आप हमारे साथ रहिएगा एके बंसल जी, हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब उम्मीदें हैं कि स्वर्ण पदक आने वाला है, मैं चाहूंगी वहीं से आप शुरू करें। बिल्कुल जी, स्वर्ण पदक की सुगंध तो हमें अभी से आने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने विपरीत परिस्थितियों में ये मुकाबला जीता है, आपके पास 10 खिलाड़ी थे, उनके पास 11 खिलाड़ी थे, किस वजह से भारतीय खिलाड़ी को जो कि जानबूझकर उन्होंने डेलिब्रेटली नहीं मारा था, वो अपनी धुन में आगे बढ़ रहे थे और उनकी हॉकी स्टिक उठी और वो अपोनेंट के लगी और जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड दिखाया गया। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है, भारत को एक निश्चित जो गोल था उस पर गोल नहीं दिया गया, वो भी बड़ा चौंकाने वाला तथ्य था। लेकिन यही मैं कुल मिलाकर कहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर उनको कहीं ज्यादा मिले हमारी तुलना में, उनका सर्कल पेनिट्रेशन हमसे कहीं ज्यादा था, उसके बावजूद हम 10 खिलाड़ियों से खेल रहे थे। और उसके बाद श्रीजेश का, जैसा कि बंसल जी ने अभी कहा, बंसल जी के साथ तो खैर बंसल जी काफी उनकी तारीफ करते रहे हैं, एक दो बार मेरी इनसे बातचीत उनके बारे में भी हुई है, श्रीजेश के बारे में, बहुत हसमुख किस्म के इंसान है, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। और यहाँ मौके पर चौका लगाना, जिसे कहते हैं जिस तरीके से एंगुलर शॉट हो, सामने से शॉट हो, हाथों का इस्तेमाल हो, उन्होंने या गिरकर गेंद को रोकना हो, आज निश्चित तौर पर आज भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दोनों मैचों में उन्होंने गोल करने के 5 से 6 मौके जो निश्चित गोल के मौके थे उस पर उन्होंने बचाव किया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला जो होना है
जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होना है। ये मुकाबला रात 11:30 बजे आज खेला जाएगा। इसका जो विजेता होगा वो भारतीय टीम से खेलेगा सेमीफाइनल मुकाबले में। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक तरफ जो नीदरलैंड और जर्मनी के बीच मैच होगा उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि आखिरकार किसका मुकाबला भारत से होगा, और दूसरा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया और अब ग्रेट ब्रिटेन को ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से भारत ने हराया ये बहुत बड़ी जीत है। और देखिए, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही थी क्योंकि सृजेश जो भावुक है और उन्होंने कहा कि देखिए बस कुछ ही मिनट है मेरे पास, यहाँ से या तो मैं बाहर हो जाऊँगा या फिर दो और मैच होंगे मेरे सामने। देश ने जिस तरह से कहा, जो भावुक उनके क्षण थे और जो जिस तरीके से बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गए थे, होना लाजमी भी है क्योंकि ये खिलाड़ी जो चौथा ओलंपिक खेल रहा है, चौथा ओलंपिक खेलना जो है बहुत कम भारतीय हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, दो एक या दो भारतीयों ने भी इससे पहले जो है 4 ओलंपिक खेले हैं। मनप्रीत चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं, सृजेश चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं और इस अकेले जो है भारत के गोलकीपर हैं। पहले तो कृष्ण पाठक भी हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से इनका पूरे टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनका जो परफॉर्मेंस रहा, उनको सैल्यूट करने का मन करता है। वाकई मैं कहूंगा पूरे भारतवासियों की उनके उन पर नजरें हैं, और इससे अच्छी विदाई क्या होगी कि अगर वो भारत को पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करके दें। पिछली बार भारत ने 41 साल के बाद पदक जीता था और यहाँ पर अगर भारत अगला मुकाबला, क्योंकि अर्जेंटीना और जर्मनी में से कोई एक टीम होगी जिससे भारत का मुकाबला होगा। अर्जेंटीना बेशक ओलंपिक चैंपियन रह चुका हो, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस अर्जेंटीना के खिलाफ काफी अच्छा रहा है, कई मौकों पर हमने उनको हराया है। यहाँ तक कि जब वो ओलंपिक चैंपियन बने थे रियो में, तब भी हमने उनको हराया था। उसके अलावा जर्मनी को पिछली बार हमने टोक्यो में हराया था कांस्य पदक के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह से भारतीय खेल रही है, इस टीम खेल रही है, इसी लय को बरकरार रखने की जरूरत है भारतीय टीम की, और इसके लिए क्रेग फुल्टन जो हमारे कोच हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने मूलभूत परिवर्तन किए भारतीय टीम में। खासकर जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वो आमतौर पर वो ये कहते हैं कि जब भी आप अपोनेंट टीम में जाएं तो विपक्षी की डी की तरफ अपनी पीठ करें और घूमकर दंदनाता हुआ शॉट लगाएं, और इस तरह से अभिषेक ने जो 2 गोल बेल्जियम के खिलाफ और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए वो इसी का परिणाम था। ऐसा कभी भारतीय हॉकी में पहले देखने को यदा कदा ही मिलता था, लेकिन इस टूर्नामेंट में ओवरहेड पासेज हमारे बहुत इंप्रूव हुए हैं, ट्रैपिंग हमारी बहुत इंप्रूव हुई है, तो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा खेल रहे हैं, और मिडफील्ड अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। 3 फॉरवर्ड्स के साथ हम खेल रहे हैं। अभी तक ये देखने को मिला था कि जो राइट फ्लैंक है हमारा, उसमें हमारा मिडफील्ड पूरी तरह से जिम्मेदारी आगे बढ़कर आक्रमण करने की निभाता है। जर्मन प्रीत हो चाहे वो हार्दिक हो, जर्मन प्रीत ने तो कई मौकों पर जो है बिल्कुल राइट आउट की पोजीशन से कई क्रॉस या कई सेंटर अपने साथी खिलाड़ियों के लिए निकाले हैं। तो यही सिलसिला आगे चलेगा तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बिल्कुल स्वर्णिम दिन जो है वो ताजा हो जाएंगे। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और भारत में क्रांति सी आ गई थी, और आप हरियाणा में देखेंगे कई एकेडमीज खुल गई जेवलिन को लेकर, कोई जेवलिन को जानता नहीं था। 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता, कोई उससे पहले भारत में शोर था क्रिकेट का, लेकिन इतना नहीं था कि क्रिकेट धर्म बन जाए। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर स्थितियां बदलेंगी। बिल्कुल एके बंसल जी, जिन बातों का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप भी उस पर अपनी राय रखें कि अगर आप गोल्ड जीतेंगे तो गेमों को लेकर स्थितियां जो हैं वो बदलेंगी, और ये जो आप हॉकी को लेकर एक तरह से मनोज जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिस बात का वो कह रहे हैं कि किस तरह से लगातार हमारा गेम जो है वो इम्प्रूव हुआ है, उसकी झलक आज हमने देखी भी। बिल्कुल, जब कोई भी खेल होता है, जब उसमें जीत मिलती है तो सारा देश जुड़ता है उसके साथ, और जब सारा देश जुड़ता है तो उस खेल के प्रति दीवानगी बढ़ती है। इसी तरह से जैसे आप सभी लोग जानते हैं, पहले हम लोग किसी जमाने में हॉकी के बेजाज बादशाह कहलाते थे, क्योंकि लगातार हमारी टीम गोल्ड मेडल जीता करती थी, और 8 गोल्ड मेडल जो हमने पहले जीते, तो उस समय और कोई खेल भी नहीं था, हॉकी ही जाना जाता था हमेशा। अब 40 सालों के बाद जब पिछली बार हमने कांस्य पदक जीता, थोड़ा सा फर्क आया खेल में, और खेल के प्रति फिर दोबारा से लोगों का चाव बढ़ा, थोड़ा सा शौक बढ़ा, और अब जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस बार हम और ऊपर जाएंगे, तो वही जो एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है मनोज जी ने जैवलियन वाला, और सही बात है कि आज से कुछ समय पहले तक एक आम नागरिक जो है वो जैवलियन नहीं जानता था, और आज हम लोग जैवलियन को जानते हैं। तो यही हॉकी में आज अगर हम इस तरह से सेमीफाइनल पर पहुंचे हैं, मैं अभी आधे घंटे के अंदर ही मेरे पास 50 कॉल्स आ गई, 50 कॉल्स इसी से रिलेटेड, बधाई ये वो, सब लोग
इतने खुश हैं तो इसका ये सिलसिला चलेगा और जब हम आगे बढ़ेंगे, अगला मैच जीतेंगे तो कहीं से कहीं होगी हमारा खेल कहीं से कहीं होगा। मनोज जी, क्या लग रहा है सेमीफाइनल में भारत के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं? फाइनल तक अगर पहुंचती है तो बहुत बड़ी बात होगी, और वहां पर भी क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, फिलहाल तो हम जर्मनी और अर्जेंटीना के बारे में सोच रहे हैं, इससे ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक मुकाबले में हमारे सामने होगी कोई टीम। अर्जेंटीना थोड़ा सा मारधाड़ पूर्ण खेल खेलती है, रफ गेम खेलती है, उसके लिए जानी जाती है, लेकिन भारत का रिकॉर्ड उनके खिलाफ अच्छा है। जर्मनी को क्योंकि भारतीय टीम हराती रही है, भारत के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ऑस्ट्रेलिया ही हुआ करती थी अभी तक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने जब से बचपन से हमने हॉकी देखना शुरू किया, हमारा रिकॉर्ड शायद सबसे खराब अगर कहीं है, बंसल जी मेरे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे जरूर सही करें, क्योंकि मैंने इतना खराब रिकॉर्ड भारत का ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी और टीम के खिलाफ नहीं देखा। बेल्जियम या फिर बेल्जियम की टीम है जो पूरे डोमिनेशन के साथ भारत के खिलाफ खेलती है, लेकिन हम समय समय पर जर्मनी को हॉलैंड को हराते रहे हैं, हमने कई बार हराया है इन टीमों को। बेशक ये बेताज बादशाह रही हैं, अपने टाइम में ओलंपिक चैंपियन रही हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब इन टीमों ने जीता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को बेशक हमने हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया सामने नहीं है तो भारत का 50% जो है मुसीबत वो हल हो गई है, और जर्मनी और अर्जेंटीना को हराएंगे और जरूर हराएंगे। एके बंसल जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल सहमत हूं, और मैं शुरू से जैसे कहता चला आ रहा हूं, वास्तव में ऑस्ट्रेलिया था जो आज तक था, जो जिससे हम कभी जीत नहीं पाए थे, और इस बार वो भी कर दिखाया, और अब कोई भी टीम, जैसे मैंने कहा वैसे तो चारों टीमें जब सेमीफाइनल होता है तो बराबर होती हैं चारों टीमें, लेकिन अब जो जज्बा खिलाड़ियों के अंदर मैं देख रहा हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता लग रहा था, और जब जीतने के बाद और भी ज्यादा फर्क महसूस हुआ, तो अब कोई भी टीम हो सामने, मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम हमारे लड़के कहीं पर भी पीछे रहेंगे, चाहे वो जर्मनी हो या कोई भी हो। और पिछले कई सालों से तो हम ये जर्मनी, नीदरलैंड, इन सभी को हराते भी आ रहे हैं, जितना लगभग 10 साल के अंदर काफी अंतर आया है, पहले ये काफी मजबूत टीमें हुआ करती थी, अब हम मजबूत हैं उनके मुकाबले, तो वो हमसे डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल खेलेंगे और जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद। बंसल जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जी। बंसल जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही है, जिस तरीके से आज जो रेड कार्ड दिया गया भारतीय खिलाड़ी अमित रोहिदास को, जो कि रशिया की भूमिका में थे, जो उनकी एक कमी भारत ने महसूस की, पेनल्टी कॉर्नर में भी वो एक दूसरे पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है भारतीय टीम के, एक रक्षक है, और उनको जिस तरीके से रोका गया था, या पिछले मैच में जो डिसअलाउ कर दिया गया था भारत का गोल, आप क्या कहेंगे कि अंपायरिंग को लेकर आप क्या कहेंगे कि ये भी क्या भारत के लिए एक चुनौती बनने वाली है अगले दो मैचों में? ये बिल्कुल चुनौती बनने वाली है, और सर इसका एवरीवेयर ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि अंपायरिंग जो है पुअर हो रही है वहां पर, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम ही लोग नहीं कह रहे हैं बल्कि दूसरी टीमों के लोग भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा फर्क है। और सबसे बड़ी जो चुनौती आज के मैच के बाद आने वाली है वो है कि अमित रोहिदास अगले मैच में शायद नहीं खेल पाएंगे, तो वो क्योंकि जब रेड कार्ड होता है तो उस मैच में वो बाहर जाता है और अगला मैच भी जो है उसका बाहर होता है उस प्लेयर का, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी भारत के लिए सेमीफाइनल में, क्योंकि अमित रोहिदास न केवल एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो उनकी पेनल्टी कॉर्नर वाली है वो एक बहुत बड़ी चैलेंज रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि टीम